हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल हरान एंटरटेनर। मैं हूँ राक्षसेन। तो आज किसी वेब सीरीज के बारे में हम लोग बात नहीं करें, आज हम लोग बात करेंगे पानीपत और तानाजी इन दोनों ट्रेलर के बारे में कि दोनों में से ट्रेलर मुझे पर्सनली कौन सा अच्छा लगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, असल में देखा है तो इन दोनों मूवीज का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों ही मूवी एक बड़े बजट की फिल्म है और दोनों ही फिल्म में अच्छे एक्टर्स है। मैं यहाँ पे अर्जुन कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ संजय दत्त, अजय देवगन और सैफ अली खान की। तो यार ये दोनों ही मूवी मैं तो पर्सनली जाके देखने वाला। लेकिन अब बात करते हैं कि पानीपत ट्रेलर देखकर मुझे क्या महसूस हुआ। आप लोगों ने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे पानीपत के ऊपर या तो फिर तानाजी के ऊपर, लेकिन ये पर्सनली मैं अपनी राय दे रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, नहीं देखना तो कोई बात नहीं, वैसे भी ना मुझे पैसा लग रहा ना आपको पैसा लग रहा है। तो चलो मैं बात करता हूँ पानीपत ट्रेलर के बारे में। तो पानीपत के नाम से ही आपको समझ में आता है कि ये एक लड़ाई यानी कि वॉर के ऊपर बेस्ड है। जो पानीपत में जो लड़ाई हुई थी उसी पर बेस्ड थी। यहाँ पे आपको लव स्टोरी देखने नहीं मिलेगी, लेकिन जो पब्लिक की शिकायत ये आ रही कि अर्जुन कपूर को आप लोगों ने इस फिल्म में क्यों लिया। तो यार कहीं तक मैं भी पब्लिक से सहमत होता, क्योंकि अर्जुन कपूर का जो फेशियल एक्सप्रेशन है या फिर जो लड़ाई में जो उनका एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम है, कहीं पर भी हमको अलग देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी मेन वजह है रणवीर सिंह, क्योंकि हाल फिलहाल में हमारे इंडिया में जो भी हिस्टोरिकल या पीरियडिक फिल्में बनी है तो उसमें रणवीर सिंह ने कुछ ऐसा कारनामा दिखाया, कुछ इस तरीके का किरदार निभाया कि लोगों के जहन ना वो बस चुके रणवीर सिंह के, लोग चाह रहे कि रणवीर सिंह को इस मूवी में होना चाहिए। लेकिन मैं आप ये बता दूं कि जो फिल्में होती है वो कोई एक्टर चूज नहीं करता, वो उनके डायरेक्टर या उनके प्रोड्यूसर चूज करते हैं। उसके डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, वो एक लेजेंडरी डायरेक्टर है और इस तरीके की हिस्टोरिकल फिल्में बनाने के लिए वो जाने जाते हैं। वो इससे पहले भी बना चुके हैं। हमारे इंडिया में दो ही फिलहाल ऐसे डायरेक्टर है जो इस टाइप की फिल्म बनाते हैं, एक तो आशुतोष गोवारिकर और दूसरा संजय लीला भंसाली। तो संजय लीला भंसाली को सबसे पहली चॉइस है रणवीर सिंह, अगर वो ये फिल्म बनाते तो 100% रणवीर सिंह को लेते। लेकिन आशुतोष गोवारिकर हर पीरियडिक फिल्म में मोस्टली वो अलग अलग एक्टर्स को लेते, चाहे तो वो मोस्टली अलग अलग एक्टर को प्रीफर करते हैं। वो मेरे ख्याल से अभी तक के सिर्फ ऋतिक रोशन को ही दो फिल्में लिए थे, एक तो सबको पता जोधा अकबर जो कि बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत ही शानदार थी, और उसके बाद जो थी वो मोहनजोदड़ो थी। मोहनजोदड़ो के बारे में तो मुझे लगता है ऋतिक रोशन भी खुद बात करना नहीं चाहेंगे। खैर, तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि ट्रेलर देखकर हम लोग किसी एक्टर को जज नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि इस मूवी की जो जान है वो है संजय दत्त। संजय दत्त के लिए जो अहमद शाह अब्दाली का जो किरदार है, अगर संजय दत्त पद्मावत में खिलजी का रोल प्ले करते तो वो रोल भी वो अमर कर देते, जैसे कि रणवीर सिंह ने किया। लेकिन संजय दत्त इस तरीके के रोल के लिए जाने जाते हैं, मतलब पीरियडिक फिल्म की बात नहीं करो मगर जो विलनी जो नेगेटिव रोल है, तो फिल्म में उसने नेगेटिव रोल के संजय दत्त ने वो फिल्म लोग आज भी पहचानते, चाहे वो वास्तव हो पानीपत का कांचा चीना हो, तो यार वो बहुत ही खतरनाक विलन साबित हो सकते हैं। और पानीपत की मूवी अगर लोग जाके देखेंगे तो वो बस सिर्फ इसीलिए जाएंगे कि संजय दत्त इसमें अहमद शाह अब्दाली का रोल प्ले कर रहे थे। और इस जो मूवी की जो कहानी है, कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको पता था कि इसकी जंग में कौन जीता था और कौन हारा था, उसके बाद क्या कुछ होता, ये सब कुछ हिस्ट्री में है। अब देखना यह है कि जो मेकर से वो कितना इसे फैक्ट रखते हैं, कितना इसको फिक्शनल रखते हैं, वो तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो मूवी की जितनी भी बैटल सीन्स है या जितने भी वीएफएक्स है, सारे के सारे आपको सिमिलर लगे, क्योंकि इसकी भी वजह है कि अगर आप लोग पीरियडिक फिल्म बनाते तो उसमें नया क्या दिखाएंगे। अगर आप हॉलीवुड फिल्म भी देखोगे तो हॉलीवुड फिल्म की भी अगर आप लोग वीएफएक्स या सीन्स निकालोगे तो हर एक दूसरी फिल्म से मैच होता ही है, तो इसमें कोई अलग या नई बात नहीं है। तो मैं इस हिसाब से तो मैं ये नहीं बोल सकता कि बाजीराव मस्तानी या फिर पद्मावत जैसी लग रही है, ये पानीपत जैसी बनाने थी वैसी ही बनाए लोगों ने। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तो एक ही नेगेटिव चीज है, वो है अर्जुन कपूर। अब ये देखना है कि अर्जुन कपूर अपने आप को क्या साबित करते हैं इस फिल्म को, क्योंकि अगर ये फिल्म में वो छा गए, अगर लोगों को पसंद आएगा तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि अर्जुन कपूर फ्यूचर के सुपरस्टार बन सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म उनकी करियर को चेंज करेगी। और जितने भी अर्जुन कपूर के फैन है वो तो सिर्फ दुआ करेंगे अर्जुन कपूर इसमें ऐसा परफॉर्मेंस देंगे, सिंह के जो लोग तारीफ करते जो उनको इतना अप्रिशिएट करें उनके प्रीवियस रोल के लिए। और रणवीर सिंह का नाम इस ट्रेलर को देखकर लोगों ने जो सोचा तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा पड़ना चाहिए कि अर्जुन कपूर भी कोई कम नहीं है। लेकिन यार मुझे तो ऐसा पर्सनली फील नहीं हो रहा, लेकिन वो तो वक्त बताएगा। अब बात करता हूँ मैं तानाजी के ट्रेलर की। तो तानाजी का ट्रेलर देखकर मैं इतना ही बोलूंगा कि अजय देवगन और सैफ अली खान ने यार फाड़ के रख दी पूरी स्क्रीन। आप 3 मिनट का ट्रेलर, 3 मिनट के ट्रेलर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि शानदार वीएफएक्स देखने को मिलेंगे, फाइट सीन्स देखने को मिलेंगे और अजय देवगन के भारी भारी डायलॉग सुनने को मिलेंगे। प्लस सैफ अली खान का जो पागलपन वाला जो रोल है वो यार मुझे ऐसा लगता है कि सैफ अली खान एक ऐसे एक्टर है जिसको बॉलीवुड में आज तक अपना ड्यू नहीं मिला, लेकिन कुछ सालों से सैफ अली खान कुछ ऐसी फिल्में चूज कर रहे हैं जिसकी वजह से सैफ अली खान का नाम भी अब बड़े बड़े एक्टर्स में आने लगा है और लोग उनको पसंद करने लगे। हालांकि उनकी फिल्म अभी भी
अकेले अगर वो सोलो फिल्म करते तो उनकी आज भी कोई फिल्म ज्यादा हिट नहीं होती, लेकिन लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ करने लगे हैं। और मुझे भी पर्सनली इस मूवी में अगर देखना तो वो है सैफ अली खान का किरदार। सैफ अली खान हमें एक विलन के रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता कि उनका रोल कुछ इस तरीके से होना जैसे कि रणवीर सिंह ने पद्मावत में रोल प्ले किया था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का नेगेटिव रोल होने के बावजूद भी लोगों ने उसको पसंद किया था। अब देखना कि सैफ अली खान का उदय बान के रोल में जो लोगों के सामने नजर आने वाले, तो देखते हैं लोग उनको किस तरीके से लेते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली तानाजी मूवी देखने के लिए एक्साइटेड टू सी फॉर सी सैफ अली खान की वजह से। अजय देवगन का तो रोल मुझे पर्सनली अच्छा लगे, उनकी जो आंखें है वही बहुत पर आपको बहुत बड़े बड़े मंजे हुए एक्टर्स देखने मिले। और इस तरह मैंने पानीपत में आपको सिर्फ एक ही मंजा हुआ एक्टर देखने मिला, वो है संजय दत्त। तो अब देखते हैं संजीव बाबा और यहाँ पर जो तीन चार एक्टर वो भारी पड़ते एक दूसरे के ऊपर, वो तो वक्त की बात है। क्योंकि पानीपत एक महीना पहले रिलीज हो रही है तानाजी से, तो आप देखते हैं दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा चलेगी। क्योंकि मेरा तो मुझे तो पर्सनली फील हो रहा है कि तानाजी ज्यादा चलेगी, लेकिन तानाजी का जो फाइट सीन से कहीं कहीं पे आपको बहुत ही वीक नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसके फाइट सीन का हाल कहीं शिवाय अजय देवगन की जो शिवाय मूवी आई थी उसकी तरह ना हो जाए, क्योंकि लोगों ने काफी उस पर कमेंट किए थे। शिवाय मूवी के जो वीएफएक्स थे, जितने भी फाइट सीन थे, लोगों को हजम नहीं हो रहे थे। मतलब वो कंप्लीट वीएफएक्स का काम नहीं लग रहा था, मतलब इनकम्प्लीट सा लग रहा था। तो देखते कि अब तानाजी का जो वीएफएक्स जितना हमने ट्रेलर में देखा तो कहीं पर बहुत अच्छा लग रहा, कहीं पर तो बहुत ज्यादा खराब लग रहा, तो वो तो वक्त ही बताएगा कि उसका वीएफएक्स कैसा है। तो यार मैं बस इतना ही बोलूँगा कि दोनों ही मूवी चलनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही मूवी में ज्यादा पैसा लगा, लेकिन फिर भी जो ऑडियंस के पैसे जो हम लोग टिकट लाके देखेंगे वो ज्यादा मायने रखते। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि दोनों ही फिल्म को आप लोग टिकट पहले बुक ना करें, आप वेट करें रिव्यू का। क्योंकि रिव्यू के बाद अगर आप लोग ये दोनों में कोई फिल्म जाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पानीपत का वैसे भी लोग बहुत मजाक उड़ा रहे, लेकिन तानाजी का बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पता चला पानीपत चल जाए या तानाजी फ्लॉप हो जाए, तो वक्त बताएगा। तो बस मैं तो इतना बोलूंगा यार वेट करो आप लोग रिव्यू का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर मैंने कहीं पर भी बायस बात किया होगा तो मुझे बता देना। इस वीडियो में इतना वीडियो पसंद आया तो चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही जो बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में।